नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकस चैनल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे PCS, RO, और PCS-J आदि के प्रत्येक वर्ष के परीक्षा के प्रश्नों की विषयवार टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। इस टेस्ट सीरीज को शुरू करने का उद्देश्य आयोग द्वारा अपनाए गए परीक्षा पैटर्न की जानकारी देना है, जिससे आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। साथ ही प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार करके परीक्षा के दौरान होने वाली आसान गलतियों को सुधारना है। इस पूरी टेस्ट सीरीज के तहत अभी तक हमने PCS में इतिहास, राज व्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान और भूगोल, जो PCS 2023 में इन विषयों से जो प्रश्न आए थे, इसकी टेस्ट सीरीज अभी तक हमने कराया है। साथ ही RO परीक्षा में 2021 के प्री और मेंस में इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न आए थे, उसका टेस्ट अभी तक हमने कराया है। अब आज हम जो है भूगोल विषय से जो प्रश्न आए हैं RO 2021 परीक्षा के प्री और मेंस में, उन प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब एक बार आप इस तरह से सेक्शन वाइज प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, तो दोबारा कभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने इसके पहले के कोई वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप निश्चित रूप से जाइए और PCS और RO दोनों जितने विषय के, अलग अलग विषय के जो टेस्ट सीरीज हमने कराए हैं, उसको देखिए। वो आपके लिए बहुत ही लाभदायी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगर कोई नई अपडेट मिले तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो है RO 2021 परीक्षा के प्री और मेंस में आए हुए भूगोल के प्रश्नों को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी से जो प्रश्न आए हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय में त्रिशूर शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा शिखर है? त्रिशूल शिखर है। तो ऑप्शन ए है, पहला कथन है यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, और दूसरा कथन है यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें केवल पहला कथन सही है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है, जबकि इसकी ऊंचाई से संबंध में यह कथन सही नहीं है। तो केवल एक सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, त्रिशूल तीन हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। क्या है? त्रिशूल जो है ये तीन हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो त्रिशूल वन है, उसकी ऊंचाई 7120 मीटर है। ठीक, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो बागेश्वर जिला सही है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे त्रिशूल श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कौन सी जनजाति है? ध्यान दीजिएगा, तमरिया जनजाति। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमरिया जनजाति पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन सी सही है। राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन सी हैं? राजस्थान में देखिए, भील पाया जाता है, मीणा, गरासिया पाए जाते हैं और डामोर जनजातियां पाई जाती हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में क्या पाए जाते हैं? बाउल। बाउल पश्चिम बंगाल की जनजाति है। भुइया है, चेरो है। चेरो जो है ये पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली जनजाति है। ओराव है, ये भी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? बैगा है, भरिया है, सहरिया है, गोंड है। ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी? बैगा, भारिया, सहरिया और गोंड, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है। तमरिया जनजाति जो है ये भूमिज जाति की उपजाति है, जो मुख्यतः झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है कावेरी, दूसरा है महानदी, तीसरा है नर्मदा और चौथा ऑप्शन है ताप्ती। इसमें कौन सी नदी घाटी बेसिन है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो कौन सी है? महानदी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत नदियों का नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल इस प्रकार है। कावेरी बेसिन के कितने हैं क्षेत्रफल? 85,624.44 वर्ग किलोमीटर। महानदी बेसिन का कितना है? महानदी बेसिन का है 1,39,669 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी बेसिन का 92,670 है। तो इसके बाद तो यही आ गई। फिर ताप्ती, ताप्ती बेसिन 63,922 है। तो केंद्रीय जल आयोग तथा अन्य संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार भी इन नदियों में महानदी का बेसिन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो सबसे बड़ी अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे बड़ी हो गई महानदी, फिर नर्मदा हो जाएगी, फिर 85 उसका था इसके पहले कावेरी बेसिन का, और अंतिम में हो जाएगा ताप्ती बेसिन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी हिंडन, ऑप्शन सी गंडक नदी और ऑप्शन डी है शारदा। तो कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? गंडक नदी। यह नेपाल से निकलती है और सीधे जो है बिहार में चली जाती है। ठीक, तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। गंडक नदी और सोन नदी ये दोनों जो हैं गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंडक और सोन गंगा की सहायक नदियां। हिंडन नदी क्या है? हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है, यह सहारनपुर जिले से निकलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन, हिंडन एवं शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ी क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कोलेरू, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है नल सरोवर और ऑप्शन डी है सांभर। तो सबसे बड़ी मतलब आयतन होना चाहिए। तो भारत की कौन सी झील है? वुलर झील है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, ये आयतन की दृष्टि से पूछा है प्रश्न। तो आयतन की दृष्टि से बुलर सबसे बड़ी झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू जो है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। ठीक है, तो जल के आयतन की दृष्टि से उत्तर बुलर है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य और गर्म झरने दिया गया है। तो एक तरफ राज्य है, राज्य में हिमाचल प्रदेश के सामने मणिकर्ण दिया है, उड़ीसा के सामने तप्ता पानी दिया है, महाराष्ट्र के सामने वज्रेश्वरी दिया है और गुजरात के सामने नारायणी दिया है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मणिकर्ण झरना हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये गर्म पानी का झरना है, सही है। तप्ता पानी उड़ीसा में पाया जाता है, ये भी सही है। और वज्रेश्वरी जो है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये भी सही है। जबकि नारायणी जो है गुजरात में नहीं पाया जाता, ये संभवतः राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, गुजरात में 17 प्रमुख झरने हैं, चबसार, कैम्बे, वेल्स, गोधा, हरसान, कावा, खेड़ापाद, खार, मक्तापुर, वरहा, मीरपुर, उनाई, तुआ, तुलसी श्याम, सवरकुंडला, लसुंदरा। देखिए, बहुत पूछा जाता है, लसुंदरा मिलान करने को आता है, गुजरात में है, लालपुर और ढोलेरा। नारायणी गर्म झरना जो है वो गुजरात में नहीं है। नारायणी कहाँ है? नारायणी गर्म झरना है राजस्थान में। ठीक है,
नारायणीगढ़ झरना राजस्थान में है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, मणिकर्ण कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, और तप्ता पानी कहाँ है, तप्ता पानी उड़ीसा में है, और वज्रेश्वरी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, गर्म झरना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है पांडिचेरी। तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पांडिचेरी में हुई थी 1974 में, ऑप्शन डी सही है। देखिए, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ खोला गया था? पांडिचेरी में खोला गया था। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के, ठीक है, कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। सूची एक में दिया है मिट्टी और सूची दो में दिया गया है राज्य। सूची एक में है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी है, जबकि राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और मरुस्थली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका क्या सही होगा? दो तीन एक चार और एक, दो तीन चार एक, देखते हैं, दो तीन चार एक, ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, जो इधर गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र है। काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का नवा प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। एक में खनिज दिया है, दूसरे में उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है ऐसे खनिज का, ठीक है। तो चूना पत्थर दिया है सीमेंट में, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कापर दिया है बिजली के सामान में। सी बॉक्साइट दिया है हवाई जहाज के निर्माण में, सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ये 3 नंबर ले लीजिए और ये 4 नंबर। और मैग्नीज दिया है इस्पात में, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो देखिए, मिलान करिए, चूना पत्थर सीमेंट सही है, कापर का सबसे ज्यादा उपयोग बिजली के सामान बनाने में ही होता है सही है, बॉक्साइट जो है हवाई जहाज के निर्माण में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है ये भी सही है, और मैग्नीज जो है मैग्नीज इस्पात निर्माण में मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये चारों एक दो तीन चार सही है। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं है। एक दो तीन चार पहला ऑप्शन है, ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, खनिज है उसका उपयोग है, चूना पत्थर का जो सर्वाधिक उपयोग है वो सीमेंट में है, कापर या तांबा का बिजली का सामान बनाने में होता है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उपयोग हवाई जहाज का निर्माण में है, और मैग्नीज का जो है इस्पात निर्माण में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दसवां प्रश्न है, दसवां प्रश्न, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो देखिए, पहले है उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा गुजरात। तो 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा है, चूंकि ये आरओ यारो परीक्षा 2021 के प्री और मेंस का पेपर है, तो इसमें जो है उस समय का पूछा है। तो उस समय उड़ीसा और गुजरात ये दो राज्य ऐसे थे जो बॉक्साइट उत्पादन में सबसे आगे थे, लेकिन वर्तमान में जो है उड़ीसा है। अब 2023 का जो आंकड़ा आया है, 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये उड़ीसा और झारखंड पहले नंबर पे, उड़ीसा है और दूसरे नंबर पे है झारखंड, ठीक है। तो ये बदल गया है आंकड़ा, इस समय नए हिसाब से याद रखिएगा। देखिए, 2023 में भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है, उसके बाद
झारखंड छत्तीसगढ़ का स्थान है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो 10 प्रश्न कराए, ये 10 प्रश्न आरओ यारओ परीक्षा 2021 के प्री और मेंस में भारत के भूगोल से पूछे गए 10 प्रश्न थे। अब इसी परीक्षा में विश्व के भूगोल से पूछे गए जो 10 प्रश्न है उनको हम कराने चल रहे हैं। आप इसको ध्यान से करिएगा। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ लेनी है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब आगे चलते हैं, विश्व का भूगोल से आए हुए जो प्रश्न है उसको करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी से, ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित गैला पागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर एक, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। नंबर दो, ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो पहला है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, तो ये सही है, ठीक है। गैला पागोस की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, ये सही है। ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, तो ये पेरू का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है? इक्वाडोर का हिस्सा है। किसका है? ये इक्वाडोर का हिस्सा है, ये पेरू का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन जो है एक सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित गैला पागोस किसमें स्थित है? प्रशांत महासागर में गैला पागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, यह दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इक्वाडोर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। और दूसरा कथन है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो देखिए, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, सही है। इंडोनेशिया में लगभग 17,000 द्वीप हैं। और दूसरा है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, नहीं 150 नहीं है, 130 के आसपास सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है, केवल एक सही है। तो दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, केवल एक सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में कितने हैं? 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर पर स्थित है तथा यहाँ काफी संख्या में ज्वालामुखी हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? लगभग 130 है। देखिए, 130 सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रुनेई, ऑप्शन बी है तिमोर लेस्ते, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है पापुआ न्यू गिनी। तो किसके साथ जो है इंडोनेशिया अपनी भूमि साझा नहीं करता है? ब्रुनेई के साथ। ऑप्शन ए सही है, ब्रुनेई के साथ इंडोनेशिया की सीमा नहीं मिलती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इंडोनेशिया जो है ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता। इंडोनेशिया किसके किसके साथ करता है? मलेशिया के साथ, बोर्नियो एवं सेबाटिक द्वीप पर, पापुआ न्यू गिनी के साथ, न्यू गिनी द्वीप पर एवं तिमोर लेस्ते पूर्वी तिमोर के साथ, तिमोर द्वीप पर भूमि साझा करता है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के साथ, देखिए, इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। मलेशिया के साथ जो है बोर्नियो एवं सेवाटिक द्वीप पर साझा करता है, पापुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी द्वीप पर करता है, और तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर भूमि साझा करता है, लेकिन ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? पोलिनेशिया का भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है टोगा, ऑप्शन बी है तुवालू, ऑप्शन सी है ताहिती, ऑप्शन डी है तिनियन। पोलिनेशिया का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, पोलिनेशिया कहाँ है? ये मध्य व दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, जो 1,000 से अधिक द्वीपों का एक समूह है उससे बना हुआ है। क्योंकि इनकी भाषा, संस्कृति और परंपरा सेम है, इसलिए इन्हें इकट्ठा मिला के पोलिनेशियन कह दिया जाता है। तो इसमें जो है पोलिनेशिया में तिनियन शामिल नहीं है, बाकी टोगा, तुवालू और ताहिती शामिल है, तिनियन शामिल नहीं है, ठीक। देखिए, टोगा,
तुवालु एवं ताहिती पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। ताहिती फ्रेंच पोलिनेशिया का द्वीप है एवं फ्रेंच पोलिनेशिया समग्र रूप से पोलिनेशिया का भाग है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जानते हैं? कौन सी भूमि है ये? वादे की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है सुलावेसी और ऑप्शन डी है मिंडानाओ। तो वादे की भूमि के नाम से किसे जानते हैं? मिंडानाओ को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक है, मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? किसके तट पर? बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश नहीं है। देखिए, लातविया बाल्टिक सागर पे है, पोलैंड भी बाल्टिक सागर पे है, इसमें ऑप्शन बी में भी लातविया दिया है तो ये बाल्टिक सागर पे है, रूस भी बाल्टिक सागर के तट पे है, स्वीडन स्वीडन देखिए दिया ऑप्शन सी में, ये भी बाल्टिक सागर पे है, रूस तो है ही है बाल्टिक सागर पे, फिर स्वीडन भी बाल्टिक सागर पे है, अभी पहले ही बताए, अब नॉर्वे बचा। नॉर्वे जो है, नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पे नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नॉर्वे बाल्टिक सागर पे नहीं है, जबकि स्वीडन तो है बाल्टिक सागर पे लेकिन नॉर्वे नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखिए, उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। कितने देशों से? 9 देशों के से घिरा है। इसके तट पर स्थित देश कौन से हैं? डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। फिर से देखिए, जो बाल्टिक सागर के तट पर 9 देश हैं कौन से हैं? डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। ये 9 देश बाल्टिक सागर के तट पे हैं, जबकि नॉर्वे इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पे नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है जॉर्डन, जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन बी है लेबनान और इजराइल, ऑप्शन सी है सीरिया और लेबनान, ऑप्शन डी है जॉर्डन और तुर्की। इसमें से कौन सा देश ऐसा है जो मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अब देखिए, इसमें जो है लगभग सभी जो है मध्य पूर्व के हिस्से हैं। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो केवल एक जॉर्डन और तुर्की का चांस बनता है, नहीं तो सारे देश मध्य पूर्व के देश हैं। तो अगर माना जाए तो हो सकता है कि जॉर्डन और तुर्की को आयोग मान ले। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उपर्युक्त विकल्पों में शामिल सभी देश जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, सीरिया एवं तुर्की मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया में स्थित है। हालांकि इन देशों में तुर्की, रिपब्लिक ऑफ तुर्की का कुछ भाग दक्षिणी पूर्वी यूरोप के बालकन प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण तुर्की का। इस प्रश्न का उत्तर डी माना जा सकता है। ठीक है, 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देश दिया है और राजधानी दिया है। देश ऑप्शन ए है एंटीगुआ और बरबुडा का सेंट जॉन्स दिया है, डोमिनिका का सेंटो डोमिंगो दिया है, नंबर सी है अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर दिया है और ऑप्शन डी है बाहामास का नस्साउ दिया है। तो इसमें से किसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? देखिए, एंटीगुआ और बारबुडा का जो है सेंट जॉन्स राजधानी है सही है, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर है ये भी सही है, बाहामास का नस्साउ है ये भी सही है। देखिए, डोमिनिका की राजधानी है वो सेंट डोमिंगो नहीं है। तो कहाँ है डोमिनिका की राजधानी? ये है, डोमिनिका की राजधानी है रोसेऊ। कहाँ है? रोसेऊ। और सेंट डोमिंगो किसकी राजधानी है? ये डोमिनिकन गणराज्य की है। किसकी है? डोमिनिकन गणराज्य की। ठीक, तो डोमिनिका की रोसेऊ है और सेंट डोमिंगो डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है। चलिए, इसका अब भी उत्तर सही है। देखिए, मिलान करते हैं। एंटीगुआ और बारबुडा की सेंट जॉन से राजधानी, डोमिनिका की रोसेऊ है, डोमिनिकन गणराज्य सेंट डोमिंगो की है, अल सल्वाडोर सेंट सल्वाडोर का है और बाहामास की राजधानी नस्साऊ है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा है, राटा डैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है। तो देखिए, राइन नदी के बारे में देखिए, राइन नदी दिया है उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए, उत्तरी जर्मनी नहीं है, ये है पश्चिमी व दक्षिणी जर्मनी, पश्चिमी व दक्षिणी जर्मनी में औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो पहला कथन गलत है, राटा डैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल दो सही होगा, देखिए ऑप्शन बी सही है, केवल दो। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि मुख्यतः पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, यह हमने बताया अभी। नीदरलैंड का राटरडैम बंदरगाह राइन मास डेल्टा पर स्थित है, जहां राइन नदी कहाँ मिलती है? उत्तरी सागर में मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी नदी उत्तरी सागर में मिलती है, राइन नदी उत्तरी सागर में मिलती है, ठीक है, राटरडैम बंदरगाह इसी के मास डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दसवां प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह झील चार देशों से घिरी हुई है, और दूसरा कथन है, यह अफ्रीकी भंस घाटी पर स्थित है। तो देखिए, विक्टोरिया झील आप जानते होंगे, यह चार देशों नहीं है, यह केवल तीन देशों से घिरी हुई है। वो तीन देश कौन से हैं? एक है तंजानिया, तंजानिया है, युगांडा है, और युगांडा के बाद कौन सा है? केन्या है। ये तीन देशों से घिरी हुई है, चार देशों से घिरी नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला कथन, और दूसरा कथन सही है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी पर स्थित है। तो केवल दो सही हो जाएगा, तो दसवें प्रश्न में ऑप्शन बी सही है, केवल दो। ठीक है दोस्तों, आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है? क्योंकि हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग इसको डिवाइड करके बताना शुरू किया है। अभी तो पीसीएस 2023 के और आरओ 2021 प्री और मेंस की परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको ये नया अनुभव कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे विश्वास है कि अगर आप एक बार इस टेस्ट सीरीज को कर लेंगे तो दोबारा आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कहीं भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। देखिए, अफ्रीका की महान झीलों में एक विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य अवस्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है, नील नदी इसी झील से निकलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालकस झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? बालकस झील किस में स्थित है? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है रूस, और ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। तो बालकस झील कहाँ है? कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बालकस झील कहाँ है? ये कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है सागौन, ऑप्शन बी है ओक, ऑप्शन सी है चेस्टनट, और ऑप्शन डी है जैतून। कौन सा वृक्ष है जो भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, सागौन जो है ये उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन है। क्या है? यह उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन है, तो यह जो है भूमध्य सागरी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, भूमध्य सागरी वनों में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम और शीशम प्रमुख है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं।
जबकि देखिए अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, बहुत इंपॉर्टेंट है जैतून, अंगूर और संतरा, ये जो है भूमध्य सागरी वनों में पाए जाते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा, दोनों का अंतर भी समझिएगा। जैतून, अंगूर और संतरा और अंजीर, ये सब भूमध्य सागरी वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है ब्राजील। तो किस देश में उसकी कुल विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसमें कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है? ये हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे में जो है कुल आवश्यक ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए नॉर्वे जो है अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। वहीं जल विद्युत संस्थापित क्षमता की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पर है। मतलब जल विद्युत, सबसे ज्यादा जल विद्युत कहाँ पैदा होता है? वो चीन से। लेकिन अपनी पूरी ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से कौन प्राप्त करता है? वो है नॉर्वे। ठीक है, इसके बाद चीन के बाद जो है जल विद्युत उत्पादन में ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और कनाडा है। ठीक, 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, और दूसरा कथन है इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक क्षेत्र है, यह तेल उत्पादक राज्य है अलास्का, बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा कथन है इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, ये भी सही है। रूसियों से वो 1867 में अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, इसे 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए डेनिश भाषा दिया है और देश दिया है। डेनिश भाषा डेनमार्क दिया है, डच भाषा नीदरलैंड में दिया है, मंदारिन चीन में दिया है और बहासा थाईलैंड में दिया है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए डेनिश जो है डेनमार्क में बोला जाता है, सही है। उसके बाद डच नीदरलैंड में बोला जाता है, ये भी सही है। मंदारिन चीन की भाषा, ये भी सही है। बहासा जो है, बहासा थाईलैंड की भाषा नहीं है, ये गलत है। बहासा किस में बोला जाता है? ये इंडोनेशिया में। बहासा कहाँ की भाषा है? ये इंडोनेशिया की भाषा है बहासा, ये थाईलैंड की भाषा नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा देखिए डेनिश, डेनिश भाषा डेनमार्क में, डच नीदरलैंड में, मंदारी चीन में और बहासा भाषा इंडोनेशिया की है। ठीक है, चलिए थाईलैंड में तो थाई बोली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिया है और उनके राजधानी शहर के बारे में पूछा है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रांत कौन कौन से हैं, उनका राजधानी शहर? तो पहला है न्यू साउथ वेल्स, उसमें ब्रिस्बेन दिया है। दूसरा क्वींसलैंड दिया है सिडनी में। तीसरा विक्टोरिया दिया है पर्थ में। और चौथा ऑप्शन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया है मेलबर्न में। इसको मिलाना है, कौन सा शहर ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत की राजधानी है? तो देखिए न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ है? सिडनी है, बी सही है। क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रिस्बेन है, बी का एक। विक्टोरिया की राजधानी कहाँ है? सी का विक्टोरिया मेलबर्न की है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? पर्थ में, और तीन सही है, डी का तीन है। तो क्या हो जाएगा? 2-1-4-3, 2-1-4-3, देखते हैं। 2-1-4-3 ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए सही सुमेलित इस प्रकार है, सूची एक और सूची दो, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी शहर। देखिए न्यू साउथ वेल्स, सिडनी,
न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया का राजधानी शहर है मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है। ठीक है, तो ये हो गए 16 प्रश्न। तो आज इतने ही प्रश्न थे, 16 प्रश्न इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी के थे और 10 प्रश्न इंडियन जियोग्राफी के। तो आप समझ गए होंगे कि आरओ परीक्षा 2021 के प्री और मेंस में इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी को मिला के कुल 26 प्रश्न पूछे गए थे। अब इसे आप अगली आने वाली आरओ परीक्षा के लिए जियोग्राफी का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए हमने ये सीरीज ही शुरू की है कि आपको ये पता चल जाए कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर आपको दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले। अब आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं किसी नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।